और खरगोन से बड़ी खबर है, जहां हादसे के पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सुरपाला गांव का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। ये वीडियो सुरपाला गांव का है, जहां 5 यात्री बस के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला यात्री बस से बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है और इसी किस्से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। एक महिला यात्री बस से बाहर निकलती हुई नजर आती है। अब ये जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वही बस है जो कि हादसे का शिकार हो जाती है। लेकिन खरगोन बस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग इस बस में चढ़ते हुए नजर आते हैं, सवार होते हुए नजर आते हैं। ये बात देख रहे हैं, एक के बाद एक कुछ लोग चढ़ते हुए इस बस में नजर आते हैं, सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि आगे इस बस का हादसा हो जाएगा। ये बात देख रहे हैं, इस बस के अंदर से एक महिला उतरती है, लेकिन कई लोग इस बस में सवार होते हैं। तो सुरपाला गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब इस बस में कई लोग सवार होते हैं। ये आप देख रहे हैं और ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। कम से कम 4 से 5 लोग इस बस में सवार होते हैं। न्यूज़ स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कई लोग, लगभग 5 से 6 लोग इसमें सवार होते हैं और इस बस में से पहले से जो महिला बैठी होती है वो महिला उतर जाती है। मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? हादसे से पहले का, ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है सुरपाला गांव का, जहां पर कुछ लोग इस बस में सवार होते हैं और बस में बैठी एक महिला बस से उतर जाती है, और क्या जानकारी है अभी? जी, ये पूरा वीडियो सुरपाला गांव का है और लोग इस बस का इंतजार करते हैं, क्योंकि सुबह की चलने वाली ये पहली बस होती है और आसपास के जो दूसरे गांव के लोग भी हैं, और सुरपाला गांव, ते गांव, लोनारा, डोगर गांव, ये अलग अलग स्टॉप है जहां पर पहले से पहुंच जाते हैं। यानी जब बस खरगोन बेजापुर से चलती है और खरगोन होते हुए जब आती है तो वहाँ पे यात्रियों की संख्या कम होती है। बीच रास्ते में जो गाँव होते हैं वहाँ से सवारी ज्यादा बैठाई जाती है। अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि बस के अंदर 35 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन 72 लोग सवार थे और सबसे ज्यादा जो सवारी है वो डोगर गांव से बस के अंदर बैठे हुए थे। ये जो वीडियो सामने आया सीसीटीवी फुटेज, ये सुरपाला का है। एक टर्निंग पॉइंट के सामने एक इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के पे बाहर गेट पे, मेन गेट पे लगा हुआ ये सीसीटीवी है। उस सीसीटीवी फुटेज में ये रिकॉर्ड हुआ है, ये तस्वीर, जब बस सुबह पहुंची थी, 5 लोग बस में सवार होते हैं और एक महिला है जो उस बस स्टॉप पे उतरती है। तो फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज आया उस दिन सामने, हादसे के ठीक आधे घंटे का पहले का एक वीडियो बताया जा रहा है और इसी के आधे घंटे बाद में ये बस हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। और ये इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग इसमें सवार हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि तय संख्या से ज्यादा, क्योंकि 30 से 35 के आसपास इस बस के अंदर लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन इससे ज्यादा क्षमता में लोगों को यहाँ पर बिठा लिया जाता है। लगभग 75 से 76 लोग इस बस के अंदर सवार थे, मिथिलेश, ये भी जानकारी है। जी, 72 लोग बस के अंदर सवार थे, कल तक अनुमानित था करीब 60 से 65 लोग होंगे, लेकिन 72 लोग सवार थे इस बस के अंदर जब हादसा हुआ, इसलिए जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 25 तक जा पहुंचा। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, आस्ते गांव और डोंगर गांव और तमाम जो आसपास के गांव है जिस रूट से बस निकलती है, हमने तमाम जगह पे ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर देखा कि आज बसें सड़कों से नजारा दे, ऐसे कई परिवार हमें सड़क पर कई किलोमीटर तक पैदल चलते हुए मिले, मासूम बच्चे उनके साथ में थे और उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा था, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। यानी जब कार्रवाई की बात की गई तो जो बसें जिनका फिटनेस नहीं था, जिनके परमिट थे, उनके पास पेपर नहीं थे, जो कंडम बसें थी, आज वो बसें नहीं चल रही, आज वो बसें सड़कों से नजारा थे। ठीक है, यानी कि हादसे के बाद कम से कम ये है कि एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और लोग जो है और खास करके प्रशासनिक अमला इस पर गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। मिथिलेश, मैं जरा वापस लौटूंगा, लेकिन जरा एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को